الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد पिछले दुरुस में हम मिसाल की अलग अलग गर्दानें पढ़ रहे थे लेकिन सरफ़ सगीर की गर्दान अलग अलग अबवाब से चुनांचे सबसे पहली जो सामने मिसाल पड़ी थी वो मिसाल वाबी की थी। मिसाल वाबी जो कि बाब ज़रब यज़रिबो से आता है जैसे कि वादा यईदु। उसके बाद एक और गर्दान थी मिसाल याई की जो भी बाब ज़रब यज़रिबो से आता है जैसे यसरा यईसिरु। उसके बाद फिर मिसाल वाबी की गर्दान आई थी समीअ यस्मऊ से जैसे वजीला यौजलु। और उसके बाद फिर दूसरी मिसाल यहाँ और आई थी दूसरा मिसाल बावी ये भी समीअ यस्मऊ से आती है यानी कि ये और ये दोनों मिसालें तकरीबन सेम हैं जैसे वसिअ यौसऊ। उन दोनों में हल्का सा फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो है वाव जीम लाम वजीला है इसके ऐन लाम कलमा में कहीं भी हरफ हल्की नहीं है लेकिन यहाँ पर क्या है हरफ हल्की है वसिअ यानी कि लाम कलमा में यहाँ पर हरफ हल्की है इसीलिए इसके मुजारे में तालील हुई है इसके मुजारे में तालील नहीं हुई है। यहाँ इसका मुजारे आएगा वजीला यौजलु लेकिन इसका जो मुजारे आएगा वसिअ यसऊ। तो यहाँ पर वाव यानी कि वाव जो कि अलामत मुजारे मफ्तूहा और फतह के दरमियान में है जिस फतह के बाद हरफ हल्की आया हुआ है लाम कलमा में तो ऐसी सूरत में यहाँ पर वाह को क्या है गिरा दिया गया है सरफी कायदे का एतबार करते हुए जो कवायद हमने पीछे पढ़े हैं। तो ये दोनों गर्दानें ये मिसाल वाबी की हैं वाब समीअ यस्मऊ से हैं लेकिन हल्का सा फ़र्क वही है जो मैंने अभी बताया। इसके बाद फिर आगे एक मिसाल और आई थी एक गर्दान और आई थी सरफ सफ़ीर की मिसाल वाबी फतह यफ्तह से जैसे वाहबा यहबो। ये मिसाल वाबी है और बाब फतह से है मिसाल फिर एक बार की मिसाल उस फेल को कहते हैं यानी कि उस फेल मोतल को कहते हैं जिसके फा कलमा में हरफ इल्लत हो जिसको मोतल फा भी हम कहते हैं। तो ये मिसाल है मिसाल बाब फतह यफ्तह से एक गर्दान आई थी वाहबा यहबु। उसके बाद एक और गर्दान आई थी मिसाल बाब हसीबा यहसिबो से जैसे वमिका यमिको। तो ये की भी गर्दान हमने पढ़ी थी और तकरीबन यहाँ तक हम गर्दानें पढ़ चुके थे मिसाल वाबी यानी मिसाल वाबी की गर्दान जो सलासी से आता है तो उसकी जो अलग अलग अबवाब होते हैं मिसाल वाबी के जितने कुछ अबवाब हैं जिनका यहाँ पर पीछे तस्करा हुआ है अलग अलग बाब से मिसाल वाबी चाहे मिसाल वाबी हो चाहे मिसाल याई हो अलग अलग अबवाब से चंद मिसालें पीछे जो है सरफ़ सगीर की वहाँ पर आ चुकी हैं। लेकिन कुछ और भी अबवाब हो सकते हैं जो अबवाब छूट गए हैं वहाँ पर मज़कूर नहीं है क्योंकि सबका इहाता करना मुश्किल या मकसूद नहीं था वहाँ पर। तो इसीलिए जो है और जो भी अबवाब आते हैं मिसाल वाबी के या ये मिसाल के चाहे वो मिसाल वाबी हों या मिसाल याई हों किसी और भी बाब से आते हों सलासी के तो उनको भी क्या है उन्हीं की रोशनी में गर्दान करना चाहिए सरफ़ सगीर की गर्दान करनी चाहिए। यहाँ पर किताब वगैरह कि तमाम अबवाब की सरफ़ सगीर गर्दान करना चाहिए तो ये खुद करना चाहिए बस थोड़ा सा नमूजस थोड़ी सी मिसालें क्या है पीछे गुजर चुकी हैं दी हुई हैं। तो अभी तक जो है फ़ेल मिसाल की गर्दानें जो है जो सरफ़ सगीर की गर्दान है कि वो फ़ेल मिसाल जो सलासी है तो वो फ़ेल मिसाल जो कि सलासी है तो उसकी अलग अलग गर्दानें जो है सरफ़ सगीर की पीछे आ चुकी हैं। अब यहाँ पर फ़ेल मिसाल की गर्दान आएगी जो कि सलासी से नहीं आते हैं उनके यहाँ पर क्या है कुछ गर्दानें यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। और एक बार फिर बता दूं कि ये जो गर्दानें हैं ये इस तरह से बताना जो है एक तो है कि समझाने के लिए है लेकिन इसका सारा दारोमदार जो है इन सारी ये सारी जो मबाहिस चल रही हैं इनका दारोमदार याद करने पर है। ज़रूरी है कि हर तालिब इल्म इसको याद करे और ख़ुद से याद करे कोई उसको याद करवा नहीं सकता जब तक कि वो खुद याद ना करना चाहे। तो किताब उसके सामने है तो उस तालिब इल्म को याद करना है उसको खुद से याद करना है और ये खुद से मेहनत करने वाली चीज़ है इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है। जो समझने वाली चीज़ें थी वो 26 कवायद थे जिनको हमने पढ़ा है कायदे से
अच्छे से मिसालों के साथ ब्लैक बोर्ड का सहारा लेकर के उनको समझने की कोशिश की है, क्योंकि हमें पता था कि आगे जो बहसें आएंगी या आगे जो भी मबाहिस आएंगी या जो भी गर्दारें आएंगी सब इसी पर डिपेंड होंगी। तो अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं हमें दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो गर्दारें हैं और गर्दारों के अंदर जो कलिमात आए हुए हैं और उनके अंदर तहलीलात हुई हैं तो वो उन्हीं कवायद की रोशनी में हैं। तो उन कवायद को अभी भी याद करना ज़रूरी है, गोया कि वो कवायद अभी भी मतलूब हैं, गरचे वो चश्माई से पहले के हैं लेकिन उनका याद करना, उनको महफूज करना दिमाग में बहुत ही ज़रूरी है। आज हम मिसाले बावी की गर्दान यहाँ पर पढ़ते हैं जो कि आता है बाबे इफ्तियाल से। एक मिसाल है, फैली मिसाल है, और वो जो फैली मिसाल है उसका फा कलमा वाव है। तो ये मिसाले बावी हो गया, और ये किस बाब से आएगा? बाबे इफ्तियाल से। तो ऐसा जो फेल है उसकी यहाँ पर गर्दान करेंगे, कहेंगे कि उसकी सरफेस की गर्दान कैसे की जाती है, तो यहाँ पर ये उसको करेंगे। अब कोई भी फेल मिसाल हो, इसके अलावा कहीं भी कितने भी जो है मिसाल हो, फेल मिसाल हो, यानी कि मिसाले वावी हों जो बाबे इफ्तियाल से आते हों, तो ये जो गर्दान यहाँ पर सरफेस की लिखी हुई है इसी की रोशनी में वो गर्दान करनी है। यहाँ पर मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर सारी गर्दानों का, सारे कलिमात का, यानी कि ऐसा नहीं कि मिसाल वावी से जितने अफाल आते हैं सबको यहाँ पर क्या जमा कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। बस मिसाल के तौर पर एक चीज़ को यहाँ पर जिक्र कर दिया गया है कि मिसाल वावी जो बाबे इफ्तियाल से आए कोई भी फेल हो तो उसकी गर्दान सरफे सगीर की इसी तरह से होगी, इसी तर्ज पर होगी जो कि यहाँ पर किताब में लिखी हुई है। तो यहाँ पर आज ये गर्दान हम देखते हैं मिसाल वावी बाबे इफ्तियाल से, जैसे उसकी मिसाल क्या है? इत्तेकाद, आग जलना। इत्तेकादा माने होता है रोशन होना, इसे जो बाबी इफ्तियाल से है तो ऐसे ही बाबी फाल से लाएंगे। अवकदा यू खेदो ईकादन, जैसे कि आगे आएगा यहाँ पर जो है ईकाद, तो ये एक ईकाद आता है, मस्दर है जिसका फ़ेल माजी है अवकदा, और इत्तेकाद एक आता है ये भी मस्दर है जिसका फ़ेल माजी आएगा इत्तेकादा। तो ये बाबे इफ्तियाल से है, इत्तेकादा के माने ये लाजिम है, इत्तेकादा के माने रोशन होना, जलना, और इसके बाद अवकदा माने होता है रोशन करना या जलाना किसी को। जैसे कहेंगे अवकदा अन्नार, अवकदा अलहतब फत्तेकादा, तो उन्हें किसी चीज़ को जलाना तो वो चीज़ जल जाए। तो एक लाजिम अवकदा लाजिम, अवकदा मुतादी है और इत्तेकादा क्या है? लाजिम है। यहाँ सबसे पहले हम इसकी गर्दान देखते हैं, यहाँ पर जो है सरफ़ सगीर की इसकी गर्दान कैसे आएगी। सरफ़ सगीर फिर जैसे मैंने बताया कि इसे एक सरफ कबीर होता है और एक सरफ़ सगीर होता है। सरफ कबीर क्या होता है कि जैसे कि फ़ेल माजी है तो उसकी जब हम गर्दान करते हैं तो उसके तमाम सेगों को वहाँ पर हम जिक्र करते हैं। गायब के जो 6 सेगे हैं उसको जिक्र करते हैं, हाजिर के जो 6 सेगे हैं उनको जिक्र करते हैं, मुतकलम के जो 2 सेगे हैं उनको जिक्र करते हैं, 6, 6, 12, 2, 14, इस तरह से 14 सेगे हो गए। तो ये जब हम 14 के 14 जिक्र करते हैं तो ये सरफ कबीर माना जाता है। लेकिन सरफ सगीर में क्या होता है कि हर गर्दान के, यानी कि माजी का जो पहला कलिमा, यानी कि पहला सेगा, मुजारे का पहला सेगा, अम्र का पहला सेगा, इसमें फ़ाइल का पहला सेगा, इसमें मफूल का पहला सेगा, मस्दर ज़र्फ़ का, इस सारी एक एक जो है शुरुआत हम उसी को लेते हैं। अफ़ल तफ़ज़ील का जो है पहला सेगा, मुज़क्कर का पहला, मुअन्नस का पहला, तो एक एक शुरुआत को लेते हैं और फिर सबको इकट्ठा कर देते हैं, तो ये सरफ़ सगीर माना जाता है, जिसको सरफ़ सगीर कहते हैं। यहाँ पर हम गर्दान इस पर देखते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि इसमें क्या क्या तालीलात हुई हैं, इसमें क्या क्या चेंजिंग्स या तब्दीलियाँ हुई हैं, और वो किन कवायद की रोशनी में हुई हैं, यानी कि वो कवायद जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो कौन से कायदे हैं जिनकी रूह से इन कलिमात के अंदर या इन सेगों के अंदर तालील वाक़ हुई है। यहाँ पर सबसे पहला है इत्तेकाद, इत्तेकाद अल इत्तेकाद आग जलना, और इसी से अवकदा आएगा, इस माने कि आग जलाना। तो इत्तेकाद के माने हो गया आग जलना, यानी कि आग का जलना, आग जल जाए तो कहेंगे इत्तेकादत नारो। तो यहाँ पर कहेंगे अल इत्तेकाद, यहाँ पर इसका जो असल क्या है, ये उत्तेकाद है, क्योंकि इसका जो सलासी है, ये फेल जो है ये सलासी मजीद फी है, या जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये बाबे इफ्तियाल से आता है, ये बाबे इफ्तियाल का मस्दर है, असल में है इसका फ़ेल माज़ी है इत्तेकादा, तो यहाँ पर जो मस्दर है इत्तेकाद, लेकिन इसका जो सलासी है वो हम निकालेंगे वाव काफ दाल वकदा, वाव काफ दाल, तो वाव काफ दाल इसका असल है, तो इसका इस एतबार से अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, यू तेकादुन, इफ्तियालुन,
अगर माजी को असल के अतबार से हम देखेंगे तो हो जाएगा इउतकदा, इउतकदा, तो इस तरह से इउतकदा हो गया। तो यहाँ पर ये इउतकदा फिल माजी है और इउतकाद यहाँ पर क्या है, इसका मस्दर है। इस पर तालील क्या हुई है, इसमें ये हुआ है कि वाव को ता से बदल करके ता, फिर उस ता को इफ्तियाल की ता में इदगाम कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर इसकी असल क्या है, इउतकादुन, इउतकादुन, अलिफ लामा देगा तो अल इउतकादो। तो यहाँ पर जो वाव है ये वाव इफ्तियाल का फा कलमा है और उसके बाद इफ्तियाल की ता आई हुई है, तो इस इफ्तियाल के जो फा कलमा में जो वाव है इस वाव को ता से बदल करके इफ्तियाल की ता में इदगाम कर दिया गया है, तो इस तरह से ये इउतकादो बन गया है। माजी को अगर देखें तो माजी में जैसे इउतकदा, इउतकदा इफ्तअला के वजन पर है, ये इउतकदा किस वजन पर है, इफ्तअला के वजन पर है। यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ हम देखते हैं कि इफ्तियाल के फा कलमा में वाव आया हुआ है, तो इस वाव को हमने ता से बदल दिया है और फिर इस ता को ता में इदगाम कर दिया गया है, तो इस तरह से बन गया इत्तकदा। इसलिए जो कायदा कौन सा है, कायदा अगर हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ जो है कायदा नंबर 4 जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, फिर एक बार जो है मुराजा हो जाएगा। ऐसे कह रहे हैं कि कायदा नंबर 4, वाव और या असली जो इफ्तियाल का फा कलमा हो, वा यानी कि वाव और या ये दोनों असली होने चाहिए, ये किसी और हर्फ से बदल करके नहीं आने चाहिए, यानी कि ये किसी दूसरे हर्फ से बदले हुए ना हो, असलन ही क्या है ये वा और या हो। कह रहे कि वाव और या असली जो इफ्तियाल का फा कलमा हो ता होकर ता में इदगाम हो जाती है, जैसे इत्तकदा जो इउतकदा था। तो यहाँ पर ये दिया कि यह मिसाल पहले आ चुके कि इउतकदा यहाँ पर जो है ये तालील होकर के इत्तकदा बन गया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वाव है ये इफ्तियाल का फा कलमा है, यानी कि अगर हम इसका वजन ऊपर लिखेंगे इफ्तअला तो यहाँ पर जो फा कलमा है उसी फा की जगह पर ये वाव आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इउतकदा, तो यहाँ पर ये तालील हुई है। और इत्तसरा जो कि इत्तसरा था, यानी कि इत्तसरा यहाँ पर एक दूसरी मिसाल है, ये क्या है वाव की मिसाल है और ये क्या है या की मिसाल, यानी कि यहाँ के बाब इफ्तियाल के फा कलमा में वाव आया हुआ है और यहाँ इफ्तियाल के फा कलमा में या आई हुई है, तो यहाँ पर क्या है इत्तसरा, इत्तसरा अगर इसका भी हम वजन इसके ऊपर लिखेंगे तो हो जाएगा इफ्तअला, तो फा की जगह पर यहाँ पर या आई हुई है, तो इसलिए क्या है इस या को ता से बदल करके ता में इदगाम कर दिया तो इत्तसरा हो गया, यहाँ पर इस वाव को ता से बदल करके ता में इदगाम कर दिया तो इत्तकदा हो गया। तो ये जो कायदा था कायदा नंबर 4 है, जो कायदा नंबर 5 जी कायदा नंबर 4 था, कायदा नंबर इस कायदा नंबर 4 ये है जो कि अभी हमने पढ़ा है, तो कायदा नंबर 4 में ये बात आई हुई है और उसी की गर्दान क्या है यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर हम कहते हैं इसके गर्दान अल इत्तकाद, हमने समझा कि इसकी असल क्या है अल इउतकादो है, और इत्तकदा यहाँ पर भी इसकी असल क्या है इउतकदा है, यत्तकदो की असल क्या है यउतकदो है, यफ्तालो के वजन पर यउतकदो। यहाँ भी वही चीज़ सेम हुई है कि इफ्तियाल के फा कलमा में वाव है और इस वजह से कायदा नंबर 4 का एतबार करते हुए उस वाव को ता से बदल करके उस ता को ता में इदगाम कर दिया तो यत्तकदो हो गया है। इत्तकादन यहाँ भी जो है ये जो मस्दर है यही यहाँ पर अलिफ लाम के साथ है, यहाँ पर बगैर अलिफ लाम के है तो इस तरह से पढ़ा जाएगा, असल में है इउतकादन, तो यहाँ पर इउतकादन असल में है, यहाँ भी वा को ता से बदल करके ता को फिर ता में इदगाम कर दिया गया है तो इत्तकादन हो गया। इसके बाद है इसमें फ़ाइल है मुत्तकिदुन, मुत्तकिदुन, तो मुत्तकिदुन जो है यहाँ पर अगर कोई भी इस तरह का अगर कलमा आता है तो अगर कोई भी पूछे कि इसकी असल क्या है कैसे इसमें इसमें फ़ाइल है इफ्तियाल का, इफ्तियाल का इसमें फ़ाइल तो मुफ्तालुन के वजन पर आता है तो ये मुत्तकिदुन कैसे, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसकी असल क्या है मुतकिदुन, मुतकिदुन इसकी असल है, यानी कि बिल्कुल सेम वही जैसे पीछे मिसाल है मुतकिदुन इसकी असल है, तो यहाँ भी इफ्तियाल का जो इसमें फ़ाइल है इफ्तियाल का फा कलमा में वाव है तो इसलिए उस वाव को ता से बदल करके ता में इदगाम कर दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो गया मुतकिदुन हो गया है। अब अल-अम्र मिन्हु यानी कि जो इत्तकदा है इससे पहले अम्र क्या आएगा इत्तकिद, तो इत्तकिद को हम देखते हैं तो यह भी क्या है मुअल्लल कलिमा है, इसमें तालील हुई है, इसकी असल क्या है इउतकिद, इउतकिद यानी कि इसका जो अगर हम वजन लाएंगे बाब इफ्तियाल से तो हो जाएगा इफ्ताइल, इफ्ताइल,
युतकिद, यहाँ पर हुआ क्या है, युतकिद जो है यहाँ भी बाब इफ्तियाल के फाकलमा में वाव है, इसलिए इस वाव को ता से बदल करके ताम इदगाम कर दिया, तो इत्तकिद हो गया। वरना ही अनहु ला तत्तकिद, और जो नहीं कहे थे कि इससे जो नहीं आएगा इसी तकदा से, तो नहीं क्या आ जाएगा, ला तत्तकिद, ला तत्तकिद, जो कि असल क्या हो जाएगी, ला तौतकिद, ला तौतकिद। यहाँ भी वाव को या से बदलाव को वाव को ता से बदला जाएगा, और फिर उस ता को ता में यानी कि इफ्तियाल की ता में इदगाम किया जाएगा, तो ला तत्तकिद हो जाएगा। अज़र्फ़ मीन हो मुत्तकदुन, अज़र्फ़ यानी कि इत्तकदा से जो ज़र्फ़ आएगा वो क्या आएगा, मुत्तकदुन। तो मुत्तकदुन ये भी क्या है, मुअल्लल कलिमा है, और इसलिए इसकी असल क्या आएगी, इसकी असल निकल के आएगी मुत्तकदुन, मुत्तकदुन। इसका जो वज़न होगा बाब इफ्तियाल से वो आ जाएगा मुफ्तअलुन, मुफ्तअलुन, मुतकदुन। तो मुतकदुन यहाँ पर क्या है, वामीम के बाद यहाँ पर वाव है, और ये ता क्या है, तशदीद के साथ नहीं है, असल में मुतकदुन। तो वाव यहाँ भी इफ्तियाल का जो इफ्तियाल है कि मुतकदुन, ये कि जो ज़र्फ़ है ये बाब इफ्तियाल से है, इतकदा से ज़र्फ़ है, तो इफ्तियाल के फाकलमा में यहाँ भी वाव है, तो इस वाव को ता से बदल करके इफ्तियाल की ता कर ता में क्या है, इदगाम कर दिया गया है, तो इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया है मुतकदुन। तो ये गर्दान हो गई इत्तकान की, बाब इफ्तियाल की ये गर्दान हो गई। मिसाल वावी यानी कि ये मिसाल है, क्योंकि इसके ये जो फेल है यानी कि जो सलासी मजीद है, फेल सलासी मजीद जो है बाब इफ्तियाल से जो कि आया हुआ है, इसके फा कलमा में वाव है, इसलिए ये मिसाल है, और वाव है जो कि इसलिए ये मिसाल वावी है, और ये बाब इफ्तियाल से है। इस तरह से और जितने भी कलमात अगर कहीं भी आते हैं जो मिसाल वावी हैं और बाब इफ्तियाल से आते हैं, तो उनकी सरफ़ सगीर अगर कही जाए गर्दान करने के लिए, तो सरफ़ सगीर की गर्दान बिल्कुल इसी पैटर्न पर की जाएगी। ये एक मिसाल है। उसके बाद आगे जो है ये फिर एक मिसाल और जिक्र करते हैं कि मिसाल आई इफ्तियाल से। यहाँ पर मिसाल वावी बाब इफ्तियाल से ये बात बयान की गई है, यहाँ पर मिसाल आई बाब इफ्तियाल से। मिसाल आई इसका माना क्या, क्या मिसाल के माना क्या होता है कि वो फ़ेले मोतल जिसके फा कलमा में हरफ इल्लत हो, और अगर वो हरफ इल्लत या हो तो उसको मिसाल आई कहा जाएगा। और ऐसा मिसाल आई जो अगर बाब इफ्तियाल से आता है, जो बाब इफ्तियाल से आता हो, तो उसकी मिसाल क्या है, इत्तिसारो, जुआ खेलना। तो यहाँ ये इसकी गर्दान करेंगे, या गर्दान दोनों बिल्कुल सेम का सेम उसी तरह से हैं, बस दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर वाव था फा कलमा में, इफ्तियाल के फा कलमा में वाव था, और यहाँ पर इफ्तियाल के फा कलमा में या है। तो यहाँ पर ये मसदर है अल इत्तिसारो, जुआ खेलना, अल इत्तिसारो, जुआ खेलना, मैसर जो कुमार और कुमार और मैसर होते हैं उसी से, तो इत्तिसार, जुआ खेलना। तो इत्तिसार यहाँ पर जब हम देखते हैं तो जुआ खेलना, तो ये जो मस्दर दिख रहा है अलिफ लाम हिस्पर आया हुआ, अल इत्तिसारो। तो अगर हम इसकी असल निकालेंगे, क्योंकि इसका जो इसके जो सलासी है वो क्या है, या सीन रा, या सीन रा। तो यहाँ पर क्या है, जो दो ता दिख रही है, तो हकीकत में पहली जो ता है वो या है, जो कि ता से बदली हुई है और फिर इफ्तियाल की ता में इदगाम हुई है। तो इसकी असल क्या है, अल इत्तिसारो, अल इत्तिसारो, इस तरह से है अल इत्तिसारो। तो यहाँ पर क्या गया है कि इफ्तियाल के फा कलमा में या आई हुई है, तो उस वजह से कायदा नंबर चार जो पीछे भी मैंने दिखाया था, उसकी रोशनी में इस इफ्तियाल के जो है फा कलमा में आई हुई या को ता से बदल करके इफ्तियाल के ता में इदगाम कर दिया गया है। तो इस तरह से बन गया है अल इत्तिसारो, और इसका जो इत्तिसार माने जुआ खेलना। इसका जब गर्दान करेंगे तो क्या आ जाएगा, इत्तसरा, इत्तसरा, यत्तसिरो, इत्तिसारन, फहुआ मुत्तसिरुन। अल अम्रु मिन्हु इत्तसिर, वन्नहयु अन्हु ला तत्तसिर, अज़र्फ़ु मिन्हु मुत्तसरुन। तो यहाँ पर ये बात हो गई। इस प्रकार कि इन दोनों बाबों में चौथे कायदे से वाव और या ता होकर ता में मुद्गम हो गई। यही बात जो भी मैंने पीछे बताई कि इन दोनों बाबों में, यानी कि जो दोनों बाब हैं, यानी कि जो है बाब इफ्तियाल से जो एक इत्तेकाद है और जो है कि इत्तिसार है, यानी कि इन दोनों बाबों में चौथे कायदा से, और चौथा कायदा वही जो पीछे अभी मैंने दिखाया था, तो कह रहे हैं कि उस चौथे कायदे की रूह से वाव और या ता होकर ता में मुद्गम हो गई। और वो चौथा कायदा क्या कहता है, चौथा कायदा यही कहता है कि अगर वाव और या असली इफ्तियाल के फा कलमा में आए, तो उन वाव और या को ता से बदल करके इफ्तियाल की ता में इदगाम कर दिया जाता है। और यही दोनों मिसालें बिल्कुल सेम, यही दोनों मिसालें
वहाँ पीछे जहाँ हमने कवाकायदा पढ़े थे वहाँ पर क्या है लिखी हुई थी, यानी कि इत्तकदा की मिसाल लिखी हुई है और इत्तसरा की मिसाल लिखी हुई है। इक्तिफा करते हैं इस पर, उम्मीद करता हूँ कि दर्स समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह फिर अगले दर्स में जो है आगे वाले कुछ गज़लें पढ़ेंगे।